चैनल कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो ये मैंने पहने हुए हैं, ये वेस्टर्न वेयर पे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा, सूट्स पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, सूट वगैरह डालो तो अभी ने चेंज कर लेती हूँ, दूसरे वाले पहनूंगी। ऐसे ये दोनों ये इसके साथ है, ऐसे पेयर करके अच्छा लगता है सूट वगैरह के ऊपर, लेकिन अभी मैं इसे पहले चेंज करती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। और इधर कपड़े वॉश करके रखे हुए हैं मेरे लिए, इनको भी रखना है मेरे को। ये वाली अच्छी लग रही है। पार्ट का मन कर रहा है पानी पूरी खाने का, और उस दिन जो मैं पानी पूरी का पैकेट लाई थी, अभी ठंडा पानी ले लिया, अब पानी पूरी बना रही हूँ। ये दो तरह की ना चटनी के पैकेट निकलते हैं, इसमें से ग्रीन वाली और एक रेड वाली सोट। चाहो तो रेड वाली सोट को अलग लगा के खा लो, सिर्फ ग्रीन मिला लो तो भी पानी बन जाता है, लेकिन मैं दोनों एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। और ये साथ में बूंदी मिली है। कौन सा ग्रीन है, कौन सा रेड है, वो तो खोल के पता चलता है बेटा, लिखा भी होगा, मेंशन भी होगा इस पे बाहर। चलो खोलते हैं पहले पैकेट को। इस पे लिखा हुआ है ना पानी पूरी पेस्ट, इससे पानी पूरी बन जाती है, लेकिन हम मीठी वाली सोट मिला के बनाती हूँ ना मैं, स्वीट स्पाइसी मैंगो सॉस, ये वाली मीठी वाली है। हाँ ये मीठी वाली है, और ये ग्रीन वाली है, और ये मीठी वाली है। तो ग्रीन और ये मैंने लिया ठंडा पानी। हाँ पहले ग्रीन वाली मिक्स करके टेस्ट करके देखें, आज हर बार हम दोनों इकट्ठे मिक्स कर लेते हैं। चलो पहले काटते हैं ये, इसमें बूंदी है, बूंदी। और इस बार ये थोड़ा ना अलग पानी लेंगे, ये बस इसको ही ऐड करेंगे, बस इसको ऐड करूँ। चलो इन दोनों को अलग अलग, आलू भी बॉयल हो गए, माइक्रोवेव बंद करते हैं। तो ये एक लीटर पानी है, और उसमें ये एक पैकेट पूरा ग्रीन चटनी का। बेटे सीजर से कट कर पार्थ, और स्पून दे दे मेरे को, अच्छे से मिक्स कर दे, लेकिन इसमें बूंदी मत डालियो, फिर फ्लेवरफुल नहीं लगता। आलू में डाल देंगे बूंदी, नहीं तो थोड़ी सी डाल देंगे, ज्यादा ज्यादा मेरे को पानी में अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है डाल दूंगी, तुझे पसंद है। चल फिर पूड़ी का पैकेट खोलेंगे, पानी में स्पून अंदर ही डाल दी। पानी पार्ट निकाल रहा है इसमें मीठी वाली सोट, अच्छे से पैकेट को पूरा खाली कर दियो, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना खट्टा पानी रेडी हो गया। मैं क्या करती थी, दोनों मिक्स करती थी, क्योंकि मुझे खट्टा मीठा पानी अच्छा लगता है, मैं दोनों मिक्स। देख बाहर गिर रहा है, तू कैसे गिरा रहा है बेटा, बाहर निकल रहा है। थोड़ा सा ये भी ऐड कर दे उसमें, खाते वक्त करेंगे, और फिर उसके बाद ये पैकिंग खोलनी है। ओह ये वाली इसमें पानी पूरी है, कितनी होती है इसमें अभी दिखाती हूँ, 30 होती है। तो ये थी बाहर की पैकिंग, और ये है अंदर की पैकिंग, जिसको हमने काट लिया है। अब पार्ट निकाल के दिखाओ, ये निकल गई पानी पूरी, इसमें बिल्कुल गोल गोल एकदम शेप से टूटती नहीं है, इस तरीके का इसका बॉक्स होता है। और इसमें 30 पूरी होती है, आटे वाली पूरी होती है सारी, सूजी की नहीं होती। और ये पूरी इसको ना अच्छे से पार्ट बंद भी यहाँ से लॉक हो जाता है। इस पैकेट में बीच में पता नहीं टूट गई थी, थोड़े से चूरे निकले हैं। नहीं पूरी तो सारी ठीक है, नहीं ये पूरी नहीं, पर देखो अंदर थोड़ा सा यहाँ पे गिरा बाद, नहीं वो तो थोड़ा सा ऐसे ही, ये तो पूरी परफेक्ट है ना। चल फिर मैं आलू बनाती हूँ, फिर खाते हैं, ठीक है। तो हो गई हमारी पानी पूरी डन, अब पानी पूरी का ठेला लगाएंगे, क्यों पार्थ? लेके चलते हैं रूम में। हाँ ट्राई कर, चल लगा स्पून देना, स्पून इसमें है नीचे से, स्पून निकाल, एक गोलगप्पा लेके तोड़ दिया। हाँ चलो आगे लगाओ, वो तेरी बस बस हो गया, थोड़ा सा और डाल देता हूँ। ओके डाल दिया, अब इस यही स्पून ले ले, सोंठ लगा ना, सोंठ क्या मीठी चटनी। यहाँ कभी गोलगप्पा ढंग से नहीं कर पाऊंगा। चलो अब वो डालो इसको इधर, बहुत धीरे धीरे कर रहा है, तो डाल जल्दी, बाउल ले लिया, चल खा जा खा जा खा जा खा जा खा जा, फिनिश। तो मंथली ग्रोसरी लेने के लिए आई हूँ।
ग्रोसरी लेने के लिए, और मैं अपनी ग्रोसरी में क्या क्या लेके आई हूँ आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक तो ना सबसे अच्छी चीज़ मैं क्या लेके आई हूँ, जो मेरे बेटा अभी 15 ईयर्स का हो जाएगा सितंबर में, 26 सितंबर को, तो उसने आज पहली बार मुझसे कुछ ऐसी चीज़ मंगवाई है जो मैं लेके आई हूँ ना, तो मेरे को बिल्कुल अलग सी फीलिंग आई। वो है ये, मतलब उसने मेरे को बोला हेयर जेल लेके आना। आज तक उसने कभी ऐसी चीज़ नहीं मांगी, हमेशा जब बच्चा था तो बच्चों वाली चीज़ मांगता था, उसके बाद फिर उसने कुछ भी मना कर देता था, कुछ नहीं चाहिए। तो फर्स्ट टाइम ये ला के मुझे लगा कि हाँ वो थोड़ा बड़ा हो रहा है उसके बाद तो रूटीन हो जाएगा, लेकिन अभी ये फर्स्ट आइटम जो उसने मुझसे मंगाया ऐसा। और उसके बाद मैंने सोचा छोटे वाले बेटे को भी तो खुश करना है, तो उसकी पसंद की चीज़ मैं लेके आई हूँ अभी, क्योंकि वो छोटा है तो उसकी पसंद की चीज़ें हैं ये। बोर्ड गेम बोल रहा था। बोर्ड गेम बेटा, बोर्ड गेम आपकी पसंद के ही लाए जाएंगे ना, और बच्चों की और इन तीनों की पसंद की चीज है ये, जो इन तीनों को पसंद है। और नूडल्स में इनको सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट नूडल्स इनका हॉट गार्लिक, तुम्हारा सबका फेवरेट। आप लेके आना लूट को बोला। नहीं बेटे, मैं ऐसे मजाक कर रही थी। अच्छा बॉर्नविटा बिस्किट पसंद है तेरे को? मैं बॉर्नविटा बिस्किट भी लाई इसके दूसरा। अब इसने फिर और मैं आपको स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा नीचे, ये रहा मेरा सारी ग्रोसरी। अच्छा इसमें मैं जो ये जो है ना ब्राउन शुगर, ये काफ़ी अच्छी होती है, मैं पहले भी यूज़ करती थी, अभी मैं दोबारा मैंने रिपीट किया है, ये बहुत अच्छी रहती है। अगर इसे केक में, कुकीज़ में, सब में, इन किसी भी चीज़ में डालो ना, एक तो बहुत अच्छा केक कुकीज़ का कलर आता है और बहुत ही अच्छा रहता है ये, इसे यूज़ करना। और ज़ीरो फैट है ये, और ये हेल्दी ऑप्शन भी है। तो ये इस बार मैं फिर से लेके आई हूँ, मैंने रिपीट किया है, मैं 2 kg लाई हूँ ये। मैंने हस्बैंड को बोला, पहले सिर्फ मैं लेती थी, मैंने उनको बोला आप भी ट्राई करके देखो, ये सच में बहुत अच्छा है ब्राउन शुगर। और इतने पैकेट लाए हुए हैं। और शेजवान की तो मैं बड़ी वाली बॉटल ले आई इस बार, पहले वो पतले वाली आती थी ना, ये 600 ग्राम की है। जो हॉट गार्लिक लाया हूँ ना, ये 2 दिन में नहीं टिकने वाली। अच्छा, और नैचोस का 1 पैकेट खत्म कर चुके और 2 पैकेट बचे हैं, 3 पैकेट लाई थी मैं नैचोस के। और ये हमेशा जो ऑलवेज किचन में काम आने वाली चीज, मैगी मसाला सबसे बढ़िया, जो छोटे बच्चों का घर होता है ना बेटा, सबसे बढ़िया ट्रिक होती है मैगी मसाला को, जब कुछ भी बना होता है भूख लगी होती है। यहाँ के बताओ ना सबको मैगी मसाला, आप देख ही नहीं रहे भैया, अब ये बताएगा मैगी मसाला किस काम आता है। जब रात को भैया उनको भूख लग रही थी ना, हमने ना मैगी मसाला और राइस को ना 3 सेकंड तक मिक्स करा, फिर बाद में खाया था। तो मैगी मसाला को ही किसी भी चीज़ में डालते हैं, स्वीट कॉर्न में भी डाल के खा जाते हैं, और राइस हो कुछ भी चीज़ हो, सब में मैगी मसाला। तो मैं रखती हूँ पैकेट जब भी जाती हूँ, और ये है ना, ये पैकेट जरूर रखना चाहिए घर में, बच्चे ना कभी भी डोसा मांग ले तो ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है। वैसे तो रात को अगर हमें भिगो के रखा है तो ही बन सकता है, लेकिन ये इंस्टेंट है, तो इस बार मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ इसके। और एक स्पाइस जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है ये, और ये मेरी, ये मेरे पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, बहुत सारे डिशेज में मैं यूज़ करती हूँ, पुलाव के अंदर, पाव भाजी में, मिक्स वेज में, ये और दाल में, सांभर में तो होता ही है, लेकिन दाल में भी बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन ट्राई करके देखना सांभर मसाला डाल के। और मैं तो MDH का ही यूज़ करती हूँ। हॉट गार्लिक के लाए 6-7 तो लाए हैं, पहले हम बीच में पक रहे थे, फिर मैगी खा। और उस दिन ना मटर कुलचा बहुत टेस्टी बना था ना बाहर, मैं इसकी फिर ये वाले छोटे वाले पैकेट से मिल रहे थे, तो मैं 2 पैकेट इसके भी ले आई हूँ, ये वाली जो वाइट मटर, इसमें ग्रीन मटर भी आती है, पर ये बहुत टेस्टी बना था, तो बहुत यम्मी, तो मैं इसका भी ले आई। और ये जो है, ये मेरे हस्बैंड की पसंद, उनको पाउडर मिल्क से ही बनी हुई कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो ये उनके लिए। और सारी दालें वगैरह अलग बैग में हैं,
जो मैं डिफरेंट चीज लाई हूँ बस वही दिखा रही हूँ। अच्छा पास्ता तो एज यूजल पास्ता मैक्रोनी, हाँ ब्राउन शुगर सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं लेके आई हूँ। और उसके अलावा मिक्सचर, मूसली जो कि सिर्फ मैं खाती हूँ और किसी को भी खाने को कहो इन्हें नहीं खाना होता, इन्हें कुछ टेस्टी चीज़ चाहिए होती है। और हाँ मेरे जो ये फेस वॉश ना बहुत अच्छे रहते हैं जिसकी भी ऑयली स्किन और एक्नेस वगैरह आते हैं ना पोन्स, ये वाला फेस वॉश बहुत अच्छा है। मैंने जब से ये यूज़ करना शुरू किया है ना मैं किसी और फेस वॉश को यूज़ नहीं करती, अगर कर लेती हूँ तो मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करता। और ये मैं लेके आई हूँ जब ज़्यादा पॉल्यूशन में चली जाऊँ तो उसके लिए। और पता है इसकी लक्स बॉडी वॉश की ना बॉटल चेंज हो गई, बात देख के इतनी सुंदर बॉटल हो गई, इसकी बॉटल चेंज हो गई है, पहले व्हाइट कलर की आती थी अब इसकी ऐसी बॉटल आ गई, एक बॉटल चेंज हो गई, खराब हो गई नहीं बॉटल चेंज करी है ये वाली ना बेटा, ये वाली वैसी है बस मुझे ग्रीन वाला बढ़िया लग रहा थोड़ा सा सही सा कलर लग रहा है, रिसाइक्लेबल बॉटल हो गई है, पहले वाली वैसी होगी ना। और हेयर ऑयल इस बार ग्रीन वाला, इस बार हेयर ऑयल चेंज किया है, पहले ग्रीन वाला लाते थे ना, इस बार वॉलनट वाला ले आए, वॉलनट। अरे इससे बड़े गंदी बदबू आएगी, नहीं बेटा बदबू से मर जाऊंगा तो, नहीं अच्छी है वैसी ऐसी। तो जी ये था, गए थे हम लोग छोटी मोटी चीजें लेने और फिर भी दाल खत्म थी, मेरे को मेनली दाल लेनी थी, दाल मैंने ले ली, जो जो मैं दाल लेती हूँ मिक्स दाल, ये जो मतलब दालें हमारे घर में सभी दालें बनती हैं रोटेट हो के। और मैं लूफ लेके आई हूँ, लूफ से बनाऊंगी बढ़िया सी रेसिपी और जरूर शेयर करूंगी आपसे लूफ की। अभी दिखाती हूँ आपको पार्ट लूफ दिखाई हो, वो बोला गार्लिक लूफ और एज यूजल फ्लोर क्लीनर येलो, ये रहा गार्लिक लूप, इससे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनती है। ये मैं लेके आई हूँ, चार लेके आई हूँ लूप, रख दे अब मैं पूरा राशन रख देती हूँ, पूरा हो गया। चलिए आज मैं ना आफ्टरनून में गई थी और पहले सारा काम करके सुबह मैंने दाल घिया बनाई थी, वो बना के इन बच्चों ने किसी ने भी नहीं खाई, मैंने ही दाल घिया खाई और किसी ने पार्ट नहीं खाई ना दाल घिया, मैंने तो दाल वो खा ली रोटी और वो नहीं मीठी दही, लेकिन दाल घिया नहीं खाई। दाल घिया इतनी अच्छी लगती है, दाल घिया नहीं खा ना क्या करा, मिस्टी दही बन गई थी वो पड़े पड़े मैंने, और वो तो फिनिश की ना पूरी, हाँ वो तो कर देगी, मैंने दाल छोड़ दी थी, दाल छोड़ दी थी हाँ। बेटे दाल खानी चाहिए, दाल में प्रोटीन होता है, और घिया कैसे खाओगे तुम, घिया की एक सूखी सब्जी इतनी टेस्टी लगती है, घिया में उसमें हाँ। तभी मुझे अजीब सी लगी थी, तभी मैं सोचा कुछ तो है यार इसमें, कुछ तो पंगा है इसमें इनको दाल घिया बोल दो तो खाते ही नहीं है, तो मैं इनको बताती नहीं हूँ। बड़े वाला बेटा बोलता है दाल अलग बनाओ घिया अलग बनाओ तो मैं खा लूंगा, दाल घिया इकट्ठे मत बनाओ, हस्बैंड कहते हैं दाल घिया बना लो, और मुझे तो दाल भी अच्छी लगती है घिया भी अच्छी लगती है, बट बच्चों की पसंद नहीं पड़ती है, बच्चों को घिया तोरी टिंडा अरबी, अच्छा अरबी के कोफ्ते के साथ क्या हुआ था उस दिन, मैंने अभी कुछ दिन पहले जब गणेश जी बिठाए हुए थे तब मैंने अरबी के कोफ्ते बनाए, और बड़े वाला बेटा आया खाना लेने के लिए और उसने मेरे को कहा मम्मा क्या बनाया, मैंने कहा कि नहीं, मैंने उसको बोला कि मलाई कोफ्ते, मैंने उसको कहा मलाई कोफ्ते, नहीं नहीं सच्ची सच्ची बताओ आपने कौन से कोफ्ते बनाए हैं, मैं खा लूँगा आप बस मुझे बता दो कौन से कोफ्ते हैं, तो मैंने कहा आलू के, बोला नहीं आलू के नहीं बनाए, मैंने कहा आलू और अरबी के, तो फिर उसने कहा अरबी के कौन कोफ्ते खाता है, ये कोई कौन बनाता है अरबी के कौन कोफ्ते खाता है, और वो ड्रामे करता है, मैंने कहा अच्छा चलते हुआ टेस्ट कर, जब उसने टेस्ट किए ना सच्ची बता रही हूँ उसने दो कटोरी इतनी खा ली कि रात को ना मेरे खाने के लिए नहीं बची मतलब उसने दो कटोरी खाई फिर दोबारा लेने पहुंचा, फिर दोबारा नहीं तेरे लिए बच गई होगी, नहीं तो मैंने चार खा ली, मैंने एक बार नहीं खाई, मैंने एक बार नहीं खाई थी, कटोरी में थोड़ी सी थी, मैं रोटी को बस मैंने टच करा और खाया, ऐसे खाई थी मैंने इतनी जोड़ दी थी बस, फिर उसे इतनी अच्छी लगी और उसकी मेरे को रेसिपी शेयर करनी थी और मैं उसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई उस दिन, थोड़ा मैंने बस बनाई डाली जल्दबाजी में,
और जरूर मेरे को उसका बहुत मन था रेसिपी डालने का। ये अरबी के कोफ्ते बहुत अमेजिंग बनते हैं और अरबी हमारे लिए बहुत अच्छी भी होती है बेटा, अरबी खानी बहुत अच्छी होती है। तो अरबी को जिस भी तरीके से खाया जाए, चाहे उसके कोफ्ते बना के या उसकी सूखी सब्जी बनती है ड्राई, उसको लंबा लंबा काट के, वो भी बहुत अच्छी बनती है। वैसे भी रेसे वाली रेगुलर में बनाओ तो बहुत अच्छी होती है, कोफ्ते बड़े अमेजिंग थे। कोफ्ते इतने अच्छे थे आप पहचान नहीं पाओगे अरबी के कोफ्ते। चलिए